Bismillah ar rahim Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine, and uh, you are welcome back after vacations. Today we are going to start our lecture thirteen from social studies book. My name is Amanullah. We are going to proceed chapter number 8 farming problems in pakistan from where we have left before vacations let's see recap of previous lecture we have discussed in detail about water fertilizer and salinity like how water is used in main source of farming in pakistan how we store water in dams and bridges from farming, and then utilize the utilize it later when we need. This water is supplied in farms via canals and wells. We have also discussed. ओ पाकिस्तान फेसिस वाटर प्रॉब्लम लाइक इम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन डिफरेंट रीजन आओ वाटर इज लीक थ्रू कैनॉल वाटर लीकेज यानी आप ये कह सकते हैं मतलब ये कि कैनॉल्स में वाटर लेकी जाने की वजह से काफी हद तक पानी जया हो जाता है इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे बारिशें कम आने की वजह से खेतों को पानी कम असर होता है और कभी कभी पानी की ज़्यादा की वजह से भी खेत बुरी तरह असरानंदाज़ होते हैं मसलन बारिशों का ज़्यादा आना और इसके अलावा हमने फ़र्टिलाइज़र जिसको उर्दू में खाद कहते हैं खाद पौधों की नशो नमा के लिए बहुत जरूरी होता है हमने ये भी पढ़ा कि मौसमी तब्दीलियों की वजह से पौधे की नशो नमा ही नहीं होती जिसकी वजह से अगर अच्छी खाद डाली जाए और पौधे बेहतरीन नशो नमा इस तरह पौधों की बेहतरीन नशो नमा हो सकती है इसके अलावा कुछ फलों को कीड़ा लग जाता है जैसे हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पौधों को कीड़ों से बचाया जा सके खाद के बाद हमने सेलिनिटी के बारे में पढ़ा और सेलिनेटी से मराद पौधों में नमक की मकदार ज़्यादा हो जाती है बारिश का पानी जब कई सालों से किसी ज़मीन में ज़्यादा जजब हो जाता है और फिर वाइब्रेट्स हो जाता है तो वो अपनी नमक की मकदार मट्टी में ही छोड़ जाता है अब अगर लगातार बारिशें होती हैं तो किसी इलाके में तो वहां की मट्टी कुछ सालों बाद अच्छी फसल नहीं दे सकती यानी वो मट्टी जो है वो जमीन अच्छी फसल नहीं दे सकेगी जिसकी मेन वजह नमक की मकदार का ज्यादा हो जाना है today we are going to learn about water logging after water logging we will discuss questions from the worksheet then we will solve questions for exercise objectives objectives of today's lectures are following after attending today's lecture students will be able to talk about what is water logging how oh, its main problem in pakistan how can we prevent water logging what is the main cause of water logging now let's discuss water logging water logging is basically from a natural flooding it means that when underground water rises to the surface level as a result of our irrigations water logging can displace the soil affect the natural processes in the soil and result in build up of toxic substances in the soil which कैन impede प्लांट ग्रोथ इन immediate एरिया इसका मतलब यह है कि जब जमीन में अंडरग्राउंड पानी की मकदार ज्यादा हो जाती है तो जमीन गीली हो जाती है और मट्टी में भी पानी ज्यादा जमा हो जाता है जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं इस तस्वीर में पानी की मकदार ज्यादा होने की वजह से यह खिता पौधों की नशो नुमा नहीं कर सकता मतलब वाटर किसी जेर जमीन में ज्यादा हो जाना और इस तरह वो जमीन काबिल काश नहीं रहती और जो पानी जमीन में ज्यादा मकदार में आता है उसमें नमक की मकदार ज्यादा होती है जो सफेद सी शक्ल अख्तियार कर लेता है

और ये भी एक वजह है कि जिससे इसको बेहतर किया जाए वाटर लॉगिंग से बच सकते हैं नंबर टू एवॉयड स्मोरिंग स्लाइड्स ऑफ प्लांटिंग होल्स ऑन एवी स्लॉड एवी सॉइल्स प्रिक द स्लाइड्स ऑफ द होल विद फॉर बीइंग प्लांटेड मतलब ये कि जिस जमीन पर फसल काश की जा रही हो इस बात का ख्याल रखना है कि जमीन में कोई ऐसा उसका कोई सरोख या ऐसी कोई जगह जमीन के अंदर तो नहीं है जिसमें ज्यादा पानी जमा हो हो जाता है या पानी ज्यादा जमा हो रहा हो और वहाँ उसको भी हमने रिमूव करना है मट्टी ज्यादा डालकर ताकि वो जगह ऐसे उभरी हुए ताकि वहाँ पानी ना खड़ा हो सके नंबर थ्री कंसिडर प्लांटिंग ट्रीज ऑन स्लाइड माउंट मतलब ये जिस जमीन पर पौधा उगाया जा रहा है उस जमीन को बाकी सतह से थोड़ा सा ऊपर रखना है ताकि अगर जमीन में पानी की मकदार ज्यादा है तो वो उस खड़ी जगह यानी पानी जहां खड़ा होता है या हमने ज्यादा मट्टी डाल दी उस जगह और ताकि पानी उसको क्रास ना कर सके ग्रो प्लांट्स इन रेस्ट बेड्स वही बात है कि पौधों को इस जमीन से जरा ऊपर करके लगाया जाए कि इस तरह वाटर लॉगिंग ओवरकम किया जा सके मेरा अगर हम जिक्र करें ज़रात का तो पाकिस्तान में जरात वो शुबा है जिसमें हमारे मुल्क के साठ से सत्तर फीसद लोग वस्ता हैं जबकि ये भी खुली हकीकत है कि हमारी मशियत का सबसे ज्यादा इसार भी ज़रात पर है मगर इस हकीकत से भी इनाराफ नहीं किया जा सकता कि हमारे मुल्क में ज़रात के शुबा से वस्ता छोटे कहसान लातदात मसाइल का शिकार हैं छोटे कैसान से मराद चार या छ या आठ से दस एकड़ जरिय एराजी के मालकान हैं और ये कैसान दो किस्म के होते हैं एक वो कैसान जिसका जरात के शोबे में तमाम तार बारिश पर होता है मतलब ये कि अगर बारिश होगी तो ये कैसान भी अपनी जरी एराजी पर फसल काश्त कर लेंगे अगर किसी साल बारिश ना हुई तो ये कसान अपनी फसल काश्त करने से मुकमल का असर होते हैं ये भी कसान किन मसाइल से दो चार होते हैं इसका अंदाजा लगाना एले फैम के नज़दीक मुश्किल नहीं है जबकि दूसरी किस्म के वो कसान हैं जिनकी जरियी एराजी तक नहरी पानी की रसाई मुमकन होती है मगर ये दोनों किस्म के कसान जिन मसाइल से दो चार होते हैं इनसे पूरी रकम लेकर बाद ऐसा भी हमने देखा गया कि सानू को इनसे रकम तो ले ली जाती है और इनको जाली खादे नाकस बीज नकली कीड़े मार अद्वियात की सप्लाई की जाती है इसके अलावा आम तरीन मसला सेम और थोर का जो हम अभी भी डिस्कस कर रहे हैं तफसील से इस मसले को आ, हमने बयान किया है जरिए राजी जेर ज़मीन ऐसा जो पानी है अगर वो पानी जरी अराजी की जरूरत के मुताबिक है तो ठीक है बोरत दिगर अगर पानी मतलूबा से बुलंद हो जाए तो ये जरी अराजी के अंदर जो नमकियात होते हैं जो कि ज़रात के लिए लाजमी जुज हैं वो नमकियात जिसे सोडियम क्लोराइड का नाम दिया जाता है ये नमकियात जरी अराजी के ऊपर हिस्से पर आ जाते हैं जिससे सफ़ेद पाउडर की शक्ल में और बड़े वाज अंदाज में जैसे आप पहले पिक्चर में देख चुके हैं और ये सेम और फोर का मसला ज्यादा वहां होता है यहाँ जर अराजी के पास दरिया या कैनाल यानी वो बड़ी नहर जो कि असूल आप के लिए दरिया से निकाली जाती है क्योंकि पास से गुजरने वाला दरिया या कैनाल से रसने वाला पानी करीबी जरी अराजी के जरिए से पार पाने की सतह को बुलंद कर देता है जिसके वो सेम और थोर का शिकार हो जाती है अगर सेम और थोर के तदारक की बात की जाए तो सेम थोर के तदारक के लिए कई एक तरीके अपनाए जा सकते हैं या अपनाए जाते हैं अवल जो तरीका है वो सेम थोर ज्यादा अराजी पर चिपसम का इस्तेमाल ये पाउडर जो कि चिपसन नामी पत्थर से तैयार किया जाता है इस वास्ते इस पाउडर को चिपसम का नाम दिया गया है इस चिपसम पाउडर को इस्तेमाल करने से कबल सेम थोर पर हाल चलाया जाता है और फिर इस अराजी पर चिपसम पाउडर डाला जाता है जिसके असरा से सेम और थोर ज्यादा अराजी छ माह बाद एक वर्ष के लिए काबिल काश्त हो जाती है इस तरीका कार में अखराजात बहुत आते हैं जबकि यह राजी फकत एक बरस के लिए काबिल काश्त होती है और एक बरस के बाद यह राजी फिर सेम और थोर का शिकार हो जाती है जो तरीका थोर के तदारे के लिए अपनाया जाता है या अपनाया जाता है वो ये है कि सेम और थोर के राजी के साथ एक नाला निकाला जाता है या निकाला जा सकता है इस नाले को सेम नाले का नाम दिया जाता है जो मैंने अपने आ, इस लेक्चर में डिस्कस भी किया है फायदा सेम नाले का ये होता है कि कसान अपनी राजी में वो पानी जो जरूरत से ज्यादा होता है पानी इस सेम नाले में छोड़ देता है और सेम नाला करीबी के नाल या दरिया के स्पुर कर देता है जबकि दोनों तरीका हाय कार में फर्क ये है कि सेमजदी में चिपसम का इस्तेमाल किसान को खुद करना होता है जबकि सैम नाला की खुदाई की जिम्मेदार होती है दिस इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट के वो अपने कैसानों का ख्याल रखे से के तदार के लिए एक और तरीका भी अपनाया जा सकता है जो कि महंगा तरीन मगर देरपा तरीका है असूल आप के लिए जो कैनाल दरिया से निकाली जाती है इस कैनाल के जरिए पर जरिए पश्तून प्रस्तून स्पीचिंग की जाती है मतलब ये कि कनाल के, के, के पुश्तों वज़री जरिए हिस्से पर पत्थर लगा दिए जाते हैं फ़ायदा इसका ये होता है कि इस कैनाल से पानी का रसाव नहीं होता और इस कैनाल के, के इर्द गिर्द की अराजी सहमत का शिकार नहीं होती स्टोन पिचिंग का ये तरीका चश्मा राइट बैंक कैनाल पर आजमाया गया है और बेहद कामयाब है जबकि चश्मा राइट बैंकिंग कैनाल जो कि पंजाब के, के जरखेज़ जिला मियाँ वाली से पचास किलोमीटर की दूरी पर यानी चश्मा के मकाम पर निकाली गई है और ये डेरा इसमाइल ख़ान कौनसा शरीफ और डेरा गाजी खान की जरिए राजी को खूब सैराब कर रही है तमाम गुफ्तगु का असल ये है कि हुकूमत भले किसी की भी हो किसी सियासी जमात की हो वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए न सिर्फ़ दिगर शोबों में बल्कि ज़रात के शोबों से वस्ता छोटे किसानों की हर मुमकन मदद करती है और इन छोटे कैसानों को आसान शराइ पर कर्ज़े फराम करना और इनके मामल को हल करना इनको कैसानों को बीज प्रोवाइड करना खाद प्रोवाइड करना कीड़े मार अद्वियात और इन चीजों का ख्याल रखना दिस इज ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट इसके बाद बेटा एजुकेशन अबाउट फार्मिंग प्रॉब्लम्स एंड हाउ हाउरकम दैम देर आर नाउ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान मेनली इन पंजाब सिंध एंड अदर एरिया पाकिस्तान टू

मेरा क्वेश्चन ये है कि विच प्रॉब्लम वी हैव डिसकस्ड टुडे इन लेक्चर बस एक सिंपल सा इसका आपने जवाब देना है इसका आंसर आपको पता है सो वी डिसकस्ड टुडे अबाउट द वाटर लॉगिंग एंड हाउ डील विद दिस प्रॉब्लम्स डियर स्टूडेंट्स वी हैव डिसकस्ड टुडे वाटर लॉगिंग ओके आपके लिए ये अंतहाई आसान रहेगा hmm. उसके बाद है बेटा राइट शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन ये आपकी वर्कशीट में से है द वैल्यू ऑफ पाकिस्तान फर्टिलाइजर इन सेवन पाकिस्तान इम्पोर्टेड ये इसका आंसर अच्छा है पाकिस्तान इम्पोर्टेड रोपीस फोर पॉइंट वन बिलियन रूपीज वर्थ ऑफ फर्टिलाइजर्स इन टू थाउजेंड सेवन question number two how is india india's agriculture affected by deforestation deforestation washes away topsoil and causes soil erosion number three why does maldives need to import grains Maldives does not have large tracts of farmlands. Number four, how can seepage from canals be stopped? Seepage is stopped by lining the canals with concrete. Any concrete, say, up. Uh, उस उसपी को रोकने के लिए आप कंक्रीट से आप इसको रोक सकते हैं वाई आर हर्बिस एंड पेस्टिसाइड्स यूज्ड बाय फार्मर्स हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर केमिकल्स टू किल वीड्स एंड इंसेक्ट्स दैट डैमेज क्रॉप्स number 6 what is the most serious problems for bangladesh farmers natural hazard like flood and cyclones are the most serious problem for bangladesh farmers question number 7 name three south asian countries ोस्ट सेल्फ सफिशेंट इन देर फूड नीड्स श्रीलंका नेपाल एंड भूटान ग्रोथ इनफ क्रॉप टू फीड देयर पॉपुलेशन ये इसका आंसर है ये आपने अपनी नीड कापी पर लिखने और ये शॉर्ट क्वेश्चन दो वर्कशीट से लिए गए हैं और अब आपको आपकी एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन जो है वो भी आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज वाई इज सो मच फर्टिलाइजर नेड इट ऑन फॉर्म टूडे इसका आंसर है इन पॉस्ट when demand for crops was less the manure from animals were usually enough to keep the fields fairly fertile now climatic conditions and continuous farming have reduced the natural fertility of soil so artificial fertilizer are need for better crops

और ये एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपने याद करने हैं ताकि आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी है आपने याद करने और अल्लाफि अपना ख्याल रखिएगा